रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ गाइस एक ऐसे केमिकल स्टॉक की जिसके रिजल्ट काफ़ी हद तक अच्छे आए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़े हैं, तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन इस सब चीज़ के बावजूद आज ये स्टॉक, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 3:10 हो रहा है, स्टॉक दोस्तों 3% से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है। ठीक है, तो जब रिजल्ट इसके इतने अच्छे हैं तो आखिर ये गिरावट क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? अगर आप इसमें ऑलरेडी निवेशित हैं, ये वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि इतने अच्छे क्वार्टर रिजल्ट के बावजूद स्टॉक गिर क्यों रहा है। और यदि आप इसमें निवेश की सोच रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि कहाँ तक ये गिरावट हो सकती है, क्योंकि आप कह सकते हैं एक बहुत ही बड़े फर्म ने, हैंडल कह लीजिए HDFC सिक्योरिटीज़ ने, सेल के टारगेट दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, सेल के टारगेट दिए हैं और टारगेट करेंट वैल्यूएशन से काफ़ी नीचे हैं। और जो उन्होंने इस कह लीजिए जो टारगेट सेल के दिए हैं उसके पीछे का जो रीज़न दिया है वो मुझे लगता है काफ़ी हद तक सही है दोस्तों। जी हाँ, वीडियो को देखिए आपको समझ में आएगा कि क्यों मुझे लगता है कि उन्होंने जो टारगेट दिए हैं वो काफ़ी हद तक सही हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, इसीलिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 3.15% गिरावट जब यह वीडियो बना रहा हूँ दिखा रहा है दोस्तों। स्टॉक 3050 को कह लीजिए जो सपोर्ट है इसे बढ़ाने की बड़ी कोशिश कर रहा है, अभी उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। लेकिन देखिए जब तक कह लीजिए बाजार बंद होता है, ये इसके ऊपर जाके बंद होता है या नीचे क्लोज होता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप एक चीज़ समझिए कि जब रिजल्ट आए हैं उससे पहले ये स्टॉक भागा है या गिरता ही रहा है, तो आपको समझ में आएगा दोस्तों पिछले एक महीने में ये स्टॉक निचले स्तरों से, इससे जो हाई लगाया था आप देखिए सिर्फ और सिर्फ 4 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त, आप कह सकते हैं 25-26 दिनों में स्टॉक ने मोर देन 25% का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया था दोस्तों। ठीक है, कितना 25% ज़्यादा का रिटर्न। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैंने हमेशा एक बात कही है, यदि रिजल्ट से पहले स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग जा रहा है इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिविटी को कैश इन कर रहा है अपने स्टॉक पे। और यदि कह लीजिए स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाता है पहले तो ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जो निगेटिविटी है, बाजार को ये लग रहा है कि रिजल्ट थोड़े खराब आ सकते हैं तो उसे प्राइस इन कर रहा रहता है। तो एल्काइलमाइंस में दोस्तों जो भी पॉजिटिविटी थी, जो भी अच्छी चीज़ें थी, वो मुझे लग रहा है ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी हैं। जो भी ट्रिगर पॉइंट्स थे स्टॉक में आ चुके हैं और स्टॉक भाग चुका है दोस्तों। ठीक है, और अब जो कह लीजिए आने वाले समय में प्रॉब्लम दिख रही है आपके साथ चर्चा करूंगा, पहले थोड़ा वो लेके चलता हूँ एजियो सिक्योरिटीज की तरफ। देखिए फाइनेंशियल जस्ट भरा है, फॉर द क्वार्टर एंडेड 30/6/2022 द कंपनी रिपोर्टेड अ स्टैंड अलोन टोटल इनकम ऑफ ₹477 करोड़, अप 11.33% फ्रॉम लास्ट क्वार्टर टोटल इनकम ऑफ ₹2,492 करोड़ एंड अप 21.33% फ्रॉम लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। साल दर साल में 21% ज़्यादा की बढ़ोतरी है, क्वार्टर दर क्वार्टर में आप कह लीजिए 11% ज़्यादा की, यानी आप समझिए क्वार्टर दर क्वार्टर मोर देन 11% और ईयर ऑन ईयर मोर देन 21%, इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, आगे टोटल इनकम ऑफ ₹394.04 करोड़, कंपनी रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹81.88 करोड़ द लेटेस्ट क्वार्टर। ठीक है, अपने लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट पैट को जो कह लीजिए रिलीज किया है वो है 81.88 करोड़। अब सवाल ये बनता है जब रिजल्ट इतने अच्छे हैं तो गिरावट क्यों हो रही है और HDFC सिक्योरिटीज को क्या प्रॉब्लम है इस स्टॉक के रिजल्ट से और इस स्टॉक से। तो देखिए द ब्रोकरेज मेंटेन सेल ऑन एल्काइलमाइंस विद द प्राइस टारगेट ऑफ INR इंडियन रुपीज 2400, यानी करंट मार्केट प्राइस से 20% निचले स्तरों की बात कर रहे हैं। अभी दोस्तों 3000 में चल रहा है और ये 2400 की बात कर रहा है, यानी ₹600 नीचे और ₹600 यानी दोस्तों 20% डाउन, यानी करंट से 20% जैसी बड़ी लेवल की गिरावट की बात हो रही है। और ऐसा क्यों है, तो देखिए इट बिलीव्स दैट द करंट वैल्यूएशन ऑलरेडी फैक्टर्स एंड पॉजिटिव्स फ्रॉम पोटेंशियल वॉल्यूम ग्रोथ पोस्ट डबलिंग ऑफ द एसिटोनाइट ट्रायल प्लांट एंड 40% एडिशन कैपेसिटीज ऑफ द एल्फेटिक एमाइंस प्लांट। देखिए ये जो आप तेजी देख रहे हैं ना, ये यूं ही नहीं हुई दोस्तों,
कंपनी ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं अपने जो प्रोडक्शन लाइन है उसे रैंप अप किया है। और जो सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों, जो पॉजिटिविटी थी, पॉजिटिव से क्या थे, जो पोटेंशियल वॉल्यूम ग्रोथ हुआ था किसके बाद, पोस्ट डबलिंग ऑफ द एसीटोनाइट्राइल जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी डबल कर दी गई थी, 40% एडिशन द कैपेसिटीज ऑफ एलिम्फेटिक एमाइंस। तो ये दोनों ही चीज़ों का जो कह लीजिए प्रोडक्शन है इतनी बढ़ा दी गई, उसकी पॉजिटिव अर्निंग्स आपको इस बार देखने मिली है, और इसी को फैक्टरिंग किया था इसके स्टॉक प्राइस ने। लेकिन अब ये चीज़ें फैक्टरिंग हो चुकी हैं, रिजल्ट अच्छे आ चुके हैं, तो अब जो तेज़ी है, अब जो ये कह लीजिए लाइन आने वाले समय में तेज़ी है, स्टॉक में उतनी ना दिखाई दे, क्योंकि थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक जा सकता है। आगे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसको इनको दिखता है एचडीएफसी सिक्योरिटीज वालों को, द वॉलेटाइल रॉ मटेरियल प्राइजेस कैन कंटिन्यू पुट प्रेशर ऑन द मार्जिन इन द नियर टर्म। ठीक है, जो रॉ मटेरियल है दोस्तों, वो जो वॉलेटाइल रॉ मटेरियल है वो मार्जिन में आने वाले समय प्रेशर डाल सकता है। एबिट्टा पैट वर 62% and 68% अबव एस्टिमेट, जो एबिट्टा था और कह लीजिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था दोस्तों, वो एबिट्टा 62% और ए पैट 68% अबव एस्टिमेट था, ओल्ड टू अ 17% राइज इन सेल्स, 17% सेल्स में बढ़ोतरी के कारण, लोअर देन एक्सपेक्टेड रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड लोअर देन एंटीसिपेटेड टैक्स ऑटिगो। ठीक है दोस्तों, जो टैक्स ऑटिगो थे वो और रॉ मटेरियल प्राइस उतने नहीं आए जितने का अनुमान लगाया गया था, और ये दोनों ही चीज़ें स्टॉक को कह लीजिए इसके जो क्वार्टर रिजल्ट इस बार आए हैं उसमें पॉजिटिविटी दिखाई। लेकिन प्रॉब्लम अब और अभी भी है दोस्तों, आपको अगर पता ना हो, रशिया को आपको पता है नेचुरल गैस की सप्लाई बंद कर दी है, नेचुरल गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों, और इंडिया में उसका असर साफ देखने को मिलेगा। और अगर नेचुरल गैस के दाम बढ़ते हैं इसका बहुत निगेटिव असर पड़ता है केमिकल सेक्टर पर, और भारत की केमिकल कंपनीज के जो मार्जिनस हैं उनमें बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो एल्काइल एमाइंस की जो आप कह सकते हैं 2400 का टारगेट दिया गया है, मुझे लग रहा है शायद आपको ये दिखा सकता हो, और अगर 2400 नहीं भी दिखाया दोस्तों तो भी मुझे लगता है कुछ समय तक ये स्टॉक थोड़ा नेगेटिव जा सकता है, थोड़ा आप कह सकते हैं है नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में चला जाएगा, साइडवेज चला जाएगा, जिसके कारण ऊपरी स्तरों से आपको एक प्रेशर देखने को मिले, आपको एक गिरावट स्टॉक में देखने को मिले, क्योंकि जो भी पॉजिटिविटी थी, जो भी ट्रिगर पॉइंट्स थे वो कैश इन हो चुके थे इसके शेयर प्राइस में। लेकिन अब जब कह लीजिए रिजल्ट आ चुका है, रॉ मटेरियल जो नेचुरल गैस के दाम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसे में मार्जिन को इंटैक्ट रखना ये काफ़ी हद तक मुश्किल हो सकता है दोस्तों। ठीक है, और एल्काइल एमाइंस की 3% से भी ज़्यादा की गिरावट ऑलरेडी स्टॉक में हो चुकी है। ठीक है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर कोई भी गिरावट होती है बड़ी दोस्तों, एल्काइल एमाइंस जैसे स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉक है। ठीक है, एल्काइल एमाइंस फंडामेंटली और कह लीजिए आप इनकी जो प्रोडक्ट लाइन है उस तमाम चीज़ों के स्तरों पर ये प्रोडक्ट एक क्वालिटी टॉप नॉच क्वालिटी स्टॉक है, तो गिरावट सिर्फ एक खरीदारी का मौका होगी। लेकिन मुझे करेंटली वेरिएशन बिल्कुल एक्सपेंसिव लगती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं बस आपको यही कहूँगा, स्टॉक में करेंटली वैल्यूएशन में निवेश से पहले काफ़ी सोच समझ लें, क्योंकि गिरावट के आसार अभी कहीं हद तक ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, और पर डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली में जिनको मैं जानता हूँ, ना मैंने उन्हें सलाह दी है खरीदने की, ना मुझे पता है उनके पास ये स्टॉक है, तो आप कोई भी निवेश करें उससे पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लीजिएगा। तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।